हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे नोर, और नोर को क्या भी बोल सकते हैं हम, जॉइंट डैनियल भी बोल सकते हैं, और इसका जो संकेत होता है एरो नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो सभी हेडिंग लिख लीजिए नोर, और क्या बोलते हैं इसको, जॉइंट डैनियल भी बोलते हैं, और इसका एरो किधर को लगता है, नीचे को। जैसे नोर है, नोर का मतलब ऐसे समझिए, एन तो है ये, एन का मतलब नोट, नोट किसका, ओर का नोट होता है ये। भाई जैसे हम क्या पढ़ते हैं, पी ओर क्यू पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, पी ओर, तो ये ओर ही तो होता है, इसका क्या करना, नोट करना, तो इसका नोट ही क्या कहलाता है, हमारा नोर कहलाता है। भाई पी ओर क्यू हमारे दो स्टेटमेंट हैं, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, पी ओर क्यू, उसका क्या करना, हमें नेगेशन करना, तो इसीलिए इसका नाम मतलब नोर है। लेट पी एंड क्यू बी टू स्टेटमेंट्स, दी स्टेटमेंट ऑफ द टाइप पी, क्या पढ़ते हैं हम इसको, नाइदर पी नोर क्यू, रीड एज, और नाम क्या है इसका, नोर, इज कॉल्ड जॉइंट डैनियल। जॉइंट डैनियल भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, नोर स्टेटमेंट बोलते हैं। तो ये P नोर Q क्या किसके बराबर होता है, नेगेशन किसका होता है, P और Q का नेगेशन होता है। ट्रू टेबल देख लीजिए भाई, ये स्टेटमेंट क्या ट्रू, ट्रू, ट्रू फॉल्स, 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 ओ सॉरी फॉल्स ट्रू ले लेते हैं, और फिर लास्ट में क्या, फॉल्स, फॉल्स। भाई P और Q आपको मालूम ही होगा, P और Q में यदि ट्रू है तो ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स है तो क्या है, फॉल्स, इसका क्या करना, नेगेशन करना। तो बताना इसका नेगेशन क्या आएगा, ट्रू का क्या जाएगा, फॉल्स, हाँ फॉल्स। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना, इसका नेगेशन, और ये क्या जाएगा, ट्रू। कहने का मतलब ये है, यदि हम P नोर Q निकाल लेंगे, यदि दोनों F हैं तो क्या आएगा, P आएगा, अदरवाइज F आएगा। फिर सुन लीजिए भाई, P नोर Q निकाल रहे हैं हम, तो इसका एरो किधर को लगता है, नीचे की ओर, दोनों F F हैं तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद नेंट देखना, चलिए तो हम क्या पढ़ेंगे, नेंट। नेंट का मतलब सबसे ही आपको समझ में आ रहा होगा, एंड का क्या, नेगेशन। जैसे हम अब तक क्या निकालते थे, पी एंड क्यों निकालते थे ना, उसका नेगेशन कर दीजिए तो वो क्या होता है, हमारा नेंट होता है। ठीक है, समझिए, द कनेक्टिव नेंट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, नैंड का जो सिंबल है वो किधर की ओर होता है, ऊपर की ओर एरो लगता है, और जबकि ओर का किधर की, ठीक है, ठीक है। एंड भाई इसके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, नोर, नोर का किधर की ओर होता है, नीचे की ओर, नैंड का सिंबल किधर की ओर होता है, ऊपर की ओर। एंड इज डिफाइंड एज नेगेशन ऑफ किसका, एंड का, तो ये तो बताया मैंने, नेगेशन किसका होता है, एंड का होता है, ऑफ टू स्टेटमेंट पी और क्यू। ठीक है, तो दस इस प्रकार पी नैंड क्यू बराबर क्या आएगा, नेगेशन आएगा किसका, पी एंड क्यू का। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, पी और क्यू, मतलब ये ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, और क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। तो भैया अब एक बात बताओ, जब हम एंड निकालते हैं किसी का भी, पी एंड क्यों निकालते हैं, पी एंड क्यों में ट्रू, ट्रू है तो बस ट्रू आता है, ट्रू, ट्रू है तो ट्रू आता है, बाकी सब क्या आते हैं, फॉल्स होते हैं। इसका क्या निकालना हमें, नेगेशन, तो मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, और ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू। कहने का मतलब यदि दोनों ट्रू ट्रू हैं तो क्या आना, फॉल्स, बाकी सारे क्या आने, ट्रू आने। ठीक है,
तो चलिए बना लीजिए टेबल ये भी। ठीक है, आसानी है ना ये सब, टेबल वगैरह आसान है काफी। चलिए समझिए, XOR संकेत क्या होता है, एक्स के ऊपर क्या बना देते हैं, ओ बना देते हैं, ये इसका संकेत है। दी XOR ऑफ टू स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ठीक है, जो XOR है दो स्टेटमेंट्स का क्या होगा, ट्रू इफ ओनली इफ वन ऑफ टू स्टेटमेंट्स इज ट्रू। दो स्टेटमेंट्स में से यदि ये क्या है, ट्रू है, तो स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये हमारे पास में कोई स्टेटमेंट है पी, दूसरा स्टेटमेंट है क्यू, क्या निकालना है इनका हमें, XOR निकालना भाई, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स। XOR जो है टू स्टेटमेंट्स का क्या होगा, ट्रू होगा, इफ ओनली इफ वन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, दो में से यदि एक स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। अब जैसे दो स्टेटमेंट है, दो में से एक स्टेटमेंट कैसा, ट्रू, तो इसका XOR क्या आएगा, ट्रू आएगा। दो में से एक स्टेटमेंट कैसा, ट्रू है, तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, और बाकी सब क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। कहने का मतलब ये है, ट्रू फॉल्स हो या फॉल्स, ट्रू हो तो ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो सिंपल है ये भी, बना लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 46 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 46 देखिए। कंस्ट्रक्ट द टू टेबल फोर प्रोपोजिशंस पी नेंट क्यू नेंट आर एंड पी XOR क्यू XOR आर। नेंट क्या होता है, नेगेशन ऑफ किसका होता है, एंड का, मतलब कहने का ट्रू ट्रू है तो फॉल्स आता है, बाकी सब क्या आते हैं, ट्रू आते हैं। तो चलिए पहले तीन, वैसे तो अलग अलग बना सकते हैं इनकी टेबल, में एक में ही बना दूंगा दोनों की, इसकी भी और इसकी भी। तो हमें कितने स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे, इसमें तीन स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे, पी क्यू आर। तो चलिए भैया तीन स्टेटमेंट ले लीजिए, एक पी स्टेटमेंट क्यू और आर, फिर क्या लेना, पी नेंट क्यू, फिर क्या लेना भैया, पी नेंट क्यू नेंट स्मॉल आर, फिर क्या लेना, पी XOR क्यू, पी XOR क्यू, पी XOR क्यू XOR आर। ठीक है, बड़ा आसानी है ये भी टेबल। तो ये चार तो कैसे लेने हमें, ट्रू चार तो कैसे लेने, थोड़े चलो बड़े बड़े से ले लीजिए, लंबी टेबल बना रखी ना, ये ट्रू 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 ट्रू, चार क्या लेने हमें, फॉल्स फॉल्स। ठीक है भाई, इसके बाद दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पी नेंट क्यों निकालना, यदि टी टी है तो क्या आता है, फॉल्स आता है, बाकी सब क्या आते हैं,
ट्रू आते हैं। अब पी और क्यू का निकालना नैन, टी टी है तो क्या आएगा, फॉल्स, टी टी है तो फॉल्स आएगा, टी एफ है तो ट्रू आएगा, टी एफ है तो ट्रू आएगा, या एफ टी भी हो जब भी ट्रू आएगा, एफ टी हो जब भी क्या आएगा ट्रू आएगा, या एफ एफ हो तो ट्रू आएगा, एफ एफ हो तो क्या आएगा ट्रू आएगा, बस जब टी टी होते हैं बस जब ही क्या आता है इसमें फॉल्स आता है। अब इसको और किसके साथ लेना, आर के साथ, एफ टी है तो क्या आएगा ट्रू आएगा, एफ एफ है तो क्या आएगा ट्रू आएगा, टी टी है तो फॉल्स आएगा, टी एफ है तो ट्रू आएगा, टी टी फॉल्स आ जाएगा, ट्रू आएगा बिल्कुल, टी टी एफ, टी टी एफ आता है, ये क्या जाएगा ट्रू आ जाएगा। अब क्या निकालना है, एक्सोर, एक्सोर में यदि एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। हाँ सेम है तो फॉल्स, ये कह सकते हैं बिल्कुल, पी और क्यू सेम है तो क्या फॉल्स, सेम है तो फॉल्स, ये ट्रू आएगा, अलग अलग है तो, अलग अलग है तो ट्रू आएगा, अलग अलग है तो ट्रू आएगा, अलग अलग है तो ट्रू आएगा, सेम है तो फॉल्स, सेम है तो क्या आएगा फॉल्स। अब इसका एक्सोर किसके साथ निकालना, आर के साथ, इसका एक्सोर किसके साथ, आर के, दोनों अलग अलग नहीं है क्या ट्रू, दोनों एक जैसे हैं फॉल्स आएगा, दोनों एक जैसे हैं फॉल्स आएगा, दोनों अलग अलग हैं तो ट्रू आता है, दोनों एक जैसे हैं तो फॉल्स आता है, दोनों अलग अलग हैं तो ट्रू आएगा, क्या आएगा ट्रू, और यहाँ पे क्या आएगा फॉल्स। बाई कंडीशनल का उल्टा मानिए, वहाँ दोनों सेम होते थे तो ट्रू होता था, अलग अलग होते थे तो फॉल्स आता है, तो उसका नेगेशन कह सकते हैं इसको बाई कंडीशनल का है, ठीक है। तो बस टेबल बनानी थी, ये टेबल बन गई, आसान सी टेबल है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे हम वैलिड आर्ग्यूमेंट। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, द आर्ग्यूमेंट पी वन पी टू पी थ्री, ठीक है, जो पी वन पी टू पी थ्री है इसको हमें मतलब इस तरीके से लिखना, ये मैंने इस तरीके से मार्क बना रखा, तो ये P1, P2 मतलब ये इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं क्या वर्टिकल लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं वर्टिकल, और इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको लिखने का तरीका ये होता है, मतलब थोड़ी जगह की वजह से इस तरीके से मार्क कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये जो लिखे हुए हैं किस में लिखे हुए हैं ये, ठीक है, वर्टिकल लाइन में, और जो हमारा Q है वो इस तरीके से लिखा हुआ होता है, ठीक है, वो किसके नीचे लिखा हुआ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे लिखा हुआ होता है, तो ये इसका संकेत है। तो ये हमारे पास क्या है, कोई एक आर्ग्यूमेंट है, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या कहलाता है हमारा, वैलिड आर्ग्यूमेंट कहलाता है, कब कहलाता है, इफ Q कैसा हो जाए ट्रू हो जाए, व्हेन एवर ऑल ऑल प्रीमाइजेस पी वन पी टू डॉट डॉट पी एन आर कैसी हो ट्रू, दस इस प्रकार जो ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट है इज सेट टू बी, ये क्या कहलाता है हमारा, वैलिड कहलाता है, कब कहलाता है, इफ एंड ओनली इफ, यदि पी वन इंटरसेक्शन पी टू मतलब एंड, सॉरी इंटरसेक्शन ही एंड डॉट डॉट एंड पी एन, ठीक है, कंडीशनल क्यू इस कैसा हो जाए, यदि ये टोटोलॉजी हो जाए, कहने का मतलब हमारे पास ये क्या है, कोई एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा यदि ये क्या हो जाए टोटोलॉजी हो जाए, ठीक है। इसके बाद फॉल्सी आर्ग्यूमेंट, फॉल्सी आर्ग्यूमेंट क्या कहलाता है, एन आर्ग्यूमेंट विच इज नॉट वैलिड, जो वैलिड ना हो मतलब जो टोटोलॉजी ना आए, ठीक है, एन आर्ग्यूमेंट विच इज नॉट वैलिड इज सेड टू बी क्या कहलाता है, वो फॉल्सी कहलाता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, भाई जो ये हमारे आर्ग्यूमेंट है इनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो
तो कोई हमारे पास आर्ग्यूमेंट है ये पी वन पी टू डॉट डॉट पी एन, ठीक है। तो ये लाइन एक तो कैसी खींची हमने, वर्टिकल, और ये कैसी खींची, हॉरिजॉन्टल, और क्यू इज रिटन एज, इसको हम ऐसे लिखते हैं पी वन पी टू डॉट डॉट कितना पी एन, फिर एक लाइन कैसे खींचते हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल खींचने के बाद क्या लिखते हैं क्यू लिखते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, प्रीमाइजिस, और इसको क्या बोलते हैं कंक्लूजन। तो किसी आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट क्या कहलाएगा, वैलिड कहलाएगा। और इसको इसी को सारे को हम क्या कहते हैं, इस सारे को हम ये कहते हैं, ये वैलिड कब कहलाता है, ये वैलिड जब कहलाता है यदि पी वन एंड पी टू डॉट डॉट कितना एंड पी एन और कितना इम्प्लाइज क्या कर जाए क्यू, क्या आ जाए ये सारा का सारा टोटोलॉजी आ जाए। तो कोई आर्ग्यूमेंट है हमारे पास, ये आर्ग्यूमेंट है, तो उसमें तुम ये टेबल निकाल दो, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, वैलिड आ जाएगा यदि इसका मान क्या आ जाएगा, टोटोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। और फॉल्सी आर्ग्यूमेंट क्या होता है, जो आर्ग्यूमेंट वैलिड ना हो, वैलिड कब नहीं होने का, जब ये टोटोलॉजी नहीं आएगा, तो वो आर्ग्यूमेंट कैसा कहलाता है, फॉल्सी। और आर्ग्यूमेंट को ही रिप्रेजेंट करने का हमारा क्या है, तरीका है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 47 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 47, एग्जाम्पल नंबर 47 देखिए। 47 में क्या करना हमें, सो दैट द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, क्या दिखाना है इसको, वैलिड दिखाना। तो वैलिड दिखाने के लिए भाई देखिए, मैंने बताया था किसी आर्ग्यूमेंट को किस तरीके से लिखते हैं, भाई कोई हमारे पास पी वन है और क्या है पी टू है डॉट डॉट कितना पी एन, और क्या दे रखा मान लिया क्यों दे रखा। तो इस आर्ग्यूमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है, पी वन पी टू डॉट डॉट पी एन, ठीक है, प्रीमाइजिस और कंक्लूजन कितना क्यू, ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो किसी भी हमारे आर्ग्यूमेंट को क्या दिखाना हो, वैलिड दिखाना हो, तो क्या दिखाना चाहिए हमें, पी वन इंटरसेक्शन वो इंटरसेक्शन सॉरी ठीक है एंड क्यू, इंटरसेक्शन ही भूल जाता है, दूसरे बैच में ही चल रहा ना तो इंटरसेक्शन तो बस भूल जाता है, एंड और कितना कंडीशनल क्यू यानी कि इम्प्लाइज क्यू, वो क्या दिखाना पड़ेगा हमें, टोटोलॉजी। अब हमें इसे वैलिड दिखाना, इसे वैलिड, ये पी वन की जगह और ये किसकी जगह, पी टू की जगह, तो देखो क्या करना पड़ेगा हमें किसको, इसको वैलिड दिखाने के लिए, भाई कौन है ये, पी और क्यू है, एंड किसके साथ करना, नेगेशन ऑफ पी, इम्प्लाइज क्या करना क्यू, को क्या दिखा देना हमें, इसे टोटोलॉजी दिखा देना, तो ये आर्ग्यूमेंट कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वैलिड के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, इसकी ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। तो लिख देंगे दी गिवन स्टेटमेंट सॉल्यूशन, देखिए इसका दी गिवन आर्ग्यूमेंट, दी गिवन आर्ग्यूमेंट इज कैसा होगा ये, या विल बी वैलिड, विल बी वैलिड, कब होएगा वैलिड, यदि क्या आ जाए बताना, पी और एंड नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज, अच्छा पी है यहाँ, पी है बिल्कुल, नेगेशन ऑफ पी है इम्प्लाइज क्यू इज, यदि क्या आ जाए टोटोलॉजी, ठीक है, यदि क्या आ जाए टोटोलॉजी। चलिए देखते हैं क्या आता है, तो इसके लिए क्या बनानी पड़ेगी हमें, ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी। तो लिख देंगे दी ट्रुथ टेबल, दी ट्रुथ
टेबल फोर किसके लिए बनानी पड़ेगी, पी फोर क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। तो चलिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो कितने स्टेटमेंट हैं हमारे पास, दो स्टेटमेंट हैं पी और क्यू, ठीक है। तो पी और क्यू ले लीजिए, ये हमारा पी स्टेटमेंट, यहाँ पे क्या आएगा क्यू स्टेटमेंट, फिर क्या आएगा पी और क्यू की थोड़ी जगह ज़्यादा कर लीजिए, फिर नेगेशन ऑफ कितना आएगा, नेगेशन ऑफ पी छोटे में चल जाएगा, फिर इन दोनों का क्या आएगा एंड आएगा, फिर इसका इसके साथ क्या निकालना इम्प्लाइज, लास्ट वाला क्या आना चाहिए, लास्ट वाला क्या आना चाहिए ट्रू आना चाहिए, ट्रू आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये टोटोलॉजी हो जाएगा, है ना। चलिए इसमें पहले मैंने क्या लिया, ये पी लिया, फिर क्या लिया क्यू लिया, फिर बताइए पी ओ क्यू, फिर बोलिए नेगेशन ऑफ पी, फिर बोलो पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी, फिर लास्ट में बोलिए पी और क्यू एंड नेगेशन ऑफ इम्प्लाइज क्यू, लास्ट वाली यदि क्या आ गई टोटोलॉजी आ गई, ट्रू ट्रू आ गई, तो स्टेट जो आर्ग्यूमेंट दे रखा वो कैसा हो जाएगा वैलिड हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू और क्या भैया फॉल्स फॉल्स। ठीक है फॉल्स फॉल्स। पी और क्यू फॉल्स फॉल्स है तो क्या होता है बाकी सारे ट्रू, नेगेशन किसका निकालना पी का, ट्रू का फॉल्स आएगा, ट्रू का फॉल्स आएगा, फॉल्स का ट्रू आएगा, इसका भी क्या आएगा ट्रू, इन दोनों का क्या निकालना एंड, एंड का मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू आता है, तो ये बताइए क्या आएगा फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा, क्या आएगा ये भाई एंड निकाल रहे तो क्या आएगा फॉल्स आएगा ना। अब इसका किसके साथ निकालना क्यों के साथ इम्प्लाइज, अरे इम्प्लाइज का तो तुम्हें पता ही है टीएफ क्या आता है, टीएफ क्या आता है फॉल्स आता है ना। तो चलिए निकालिए इसका किसके साथ निकालना क्यों के साथ, एफ टी कितना आएगा ट्रू आएगा, एफ एफ कितना आएगा ट्रू, टी टी ट्रू और एफ एफ क्या आएगा, तो टी एफ तो कहीं आया ही नहीं इसके अंदर, तो ये क्या आ गया टोटोलॉजी आ गया। तो गिवन आर्ग्यूमेंट हेंस गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, तो क्या लिखना है यहाँ पे सिंस, हाँ ये कैसा है इज टोटोलॉजी सिंस, फिर ये लिखना इज टोटोलॉजी हेंस गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड, ठीक है करिए। बाद में लिख तो दिया ना आपने, क्या लिखा सिंस, ये लिखना इज टोटोलॉजी हेंस गिवन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड। 48 देखिए एग्जाम्पल 48, सो दैट द आर्ग्यूमेंट पी पी कंडीशनल क्यू पी कंडीशनल आर
ठीक है, इसका मतलब ये जो है मतलब इस तरीके से लिखे हुए हैं वैसे ये P और फिर कितना P माइनस क्यू और कितना वो माइनस नहीं मतलब कंडीशनल कंडीशनल R और कितना R, ये कॉन्क्लूजन होता है, ये प्रीमाइसिस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोई आर्ग्यूमेंट है, इसे क्या दिखाना हमें वैलिड, और इसे वैलिड दिखाना तो देखिए क्या दिखाना पड़ेगा, इसको इस तरीके से लिख देते हैं और ये संकेत दे देते हैं इसका, तो इंटरसेक्शन, वो इंटरसेक्शन नहीं मतलब एंड पी इंप्लाइज क्यू एंड पी, ठीक है, इंप्लाइज कितना आर और कितना सारे का इंप्लाइज है ना आर, वो क्या दिखाना पड़ेगा, टोटोलॉजी दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा इसको, टोटोलॉजी, और ये टोटोलॉजी हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये वैलिड हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रुथ टेबल बनानी पड़ेगी, तो ट्रुथ टेबल के लिए कितने स्टेटमेंट लेने पड़ेंगे, तीन, पी क्यू और आर। तो पहले क्या निकाल लेना, ब्रैकेट वाले, अच्छा ये वाला क्यू टू आर है, सॉरी टू क्यू टू आर है, तो यहां भी क्या आएगा, क्यू टू आर आएगा। ठीक है, तो पहले क्या निकालना, P कंडीशनल क्यों कहते हैं, P इंप्लाइज क्यों कह देते हैं, फिर ये निकाल लेना है ना, इन दोनों का एंड निकाल लेना, फिर इन दोनों का एंड निकाल देना, फिर इनके साथ ये निकाल देना, तो लास्ट वाला जो कॉलम है वो कैसा आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, सारे ट्रू आ जाएगा तो टोटोलॉजी हो जाएगा, तो जो गिवन आर्ग्यूमेंट है वो कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। बस हिंट चाहो तो इसका हिंट नोट कर लीजिए, टेबल तो बना ही दोगे, ठीक है, तो हो जाएगा ना ये। तो देखिए ये चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट होने वाला भी है, तो जैसे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उससे जो आगे की क्लास है आपकी एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप आएगी, ठीक है। तो जैसे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैंने इस बुक को इसी चैप्टर से स्टार्ट किया है, इसके बाद के या पहले जितने भी चैप्टर्स हैं सारे कंप्लीट चैप्टर वो एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पे कराए जाएंगे, ठीक है। जो इस बुक की फीस है वो 999 रुपये पर बुक होगी। ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये आपका सेकेंड पेपर है, इसकी जो फीस होगी कितनी होगी, 999 होगी। तो एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और कोर्स परचेज संबंधी जो भी जानकारी लेनी हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 9690224488, ठीक है। क्योंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है और कंप्लीट होने के बाद क्लासेस आपकी एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।